इंडिया ने इन द रिसेंट ईयर्स काफ़ी सारे चाइनीज ऐप्स बैन किए हैं, जिसमें से एक था अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस एक B2C वेबसाइट थी जहाँ से मैं और आपके जैसे कॉमन लोग अपनी डेली यूज़ और पर्सनल यूज़ के लिए प्रोडक्ट्स को खरीदा करते थे, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं होता, या इंडिया में अवेलेबल होता है तो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है और उस क्वालिटी की नहीं मिल पाती जिस क्वालिटी में आप अली एक्सप्रेस से ख़रीदते हैं। अली एक्सप्रेस और अलीबाबा के बीच में मेन डिफरेंस ये है कि अलीबाबा जो है वो B2B का पोर्टल है और अली एक्सप्रेस जो था एक B2C पोर्टल था। अलीबाबा से अगर आप कुछ भी खरीदते हैं तो वो कमर्शियल लेवल में हो जाती हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक MOQ होता है, यानी कि 4, 5, 10 कुछ भी हो सकता है, एक MOQ होता है, एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता है जो आपको ऑर्डर करना पड़ता है अलीबाबा से खरीदने के लिए। तो आप पर्सनल यूज़ के लिए ज़्यादातर लोग उस चीज़ को प्रेफर नहीं करते हैं। ऑन द अदर हैंड अली एक्सप्रेस एक B2C वेबसाइट थी जहाँ से लोग रिटेल में 1 पीस 2 पीस खरीद सकते थे, बट गलवान वैली के इशू के चलते जब इंडिया ने बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया तो उसमें से एक अली एक्सप्रेस था, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, मैं आई कार्ड में डाल दूंगा, अगर आपको जाके देखना है तो देख सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अब कुछ रीसेंट टाइम्स में मेरे कुछ क्लाइंट हैं, मेरे कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने अली एक्सप्रेस से चीज़ों को ऑर्डर किया है, सक्सेसफुली ऑर्डर किया है, और वो आज के टाइम पे ऑर्डर इंडिया के ऑर्डर्स को लेने लगा है। इससे पहले क्या था कि अली एक्सप्रेस इंडिया के ऑर्डर्स को कम्प्लीटली नहीं ले रहा था। सबसे पहले इनिशियली तो ये हुआ था जब इंडिया ने इस ऐप को बैन किया तो ये ऐप इंडिया में खुल ही नहीं रहा था, और कहीं पे खुल रहा था तो इंडिया के कोई भी ऑर्डर्स वो इनिशियल टाइम पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। फिर ये ऐप खुलने लगा तब भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट इन द रिसेंट टाइम्स अली एक्सप्रेस ने दोबारा इंडिया के ऑर्डर्स को लेना शुरू कर दिया। उन लोगों को पता है कि अगर हम इंडिया के ऑर्डर्स को नहीं लेंगे, क्योंकि इंडिया की इतनी वास्ट पॉपुलेशन है और अली एक्सप्रेस में अली एक्सप्रेस से बहुत ज़्यादा इंडियन लोग चीज़ों को परचेस करते थे जो चीज़ें इंडिया में नहीं मिलती, तो इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ कि इस तरीके से आप भी अली एक्सप्रेस से चीज़ों को खरीद सकते हैं और सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन अली एक्सप्रेस के थ्रू कर सकते हैं अपनी पर्सनल यूज़ के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांगर और सभी देख रहे हैं मेरा चैनल ग्लोबल व्यापार, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, कस्टम क्लियरेंस के बारे में और कस्टम ऑक्शन के बारे में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मेरे जानने वालों ने, मेरे कुछ क्लाइंट्स ने रिसेंटली अली एक्सप्रेस से चीज़ों को परचेज किया है। अली एक्सप्रेस खुलने के बाद जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, आपको प्रोडक्ट में जाना है, कॉन्टैक्ट सेलर करना है। कॉन्टैक्ट सेलर करने के बाद आप लोगों को कॉन्टैक्ट सेलर से ये पूछना है कि क्या आप इंडिया के ऑर्डर्स ले रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर अली एक्सप्रेस जो है कुछ वहाँ के सेलर्स हैं जो इंडिया से ऑर्डर्स ले रहे हैं, कुछ सेलर जो हैं वहाँ इंडिया से ऑर्डर्स नहीं ले रहे हैं। अब इससे पहले होता क्या था, जब अली एक्सप्रेस बैन नहीं हुआ था तो जो ये सारा इंटरनेशनल ट्रेड शिपिंग का जो सारा का सारा सिनेरियो, जो सारा का सारा पिक्चर है ना, ये कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स पर आके अटकता है। लॉजिस्टिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ई कॉमर्स का, किसी भी जब आप B2C चीज़ों को डील करते हैं, कुछ भी ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग या इंटरनेशनल शिपिंग होती है, तो लॉजिस्टिक्स वाला पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है। आज के डेट में अमेज़न जो इतना बड़ा है ना, वो कहीं ना कहीं उनके लॉजिस्टिक्स और सेम डे डिलीवरी के लिए ही वो लोग अमेज़न को इतना ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर फ्लिपकार्ट और दूसरे ई कॉमर्स। अब अली एक्सप्रेस के बैन होने के बाद क्या हुआ था, अली एक्सप्रेस के बैन होने के बाद उनका जो इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स था ना, जिस अली एक्सप्रेस के नाम से, जो अब क्या होता है कि एक आपका प्रोडक्ट वो सेपरेटली शिप नहीं करते, जब बहुत सारे एक रीजन में बहुत सारा प्रोडक्ट जाता था, उनके वेयर हाउस में प्रोडक्ट जाते थे कंसोल बन के, फिर उनका जो डेडिकेटेड शिपिंग था वहाँ का, उसके थ्रू इंडिया में वो आते थे, या अभी भी जो किसी और कंट्री से वो मेरे ख्याल ऐसे ही कर रहे होंगे, अब तक ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही कंसोल बन के इंडिया में आता था, फिर वो एक कंसोल बन के चीज़ों को क्लियर होता था, तो वो बहुत उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव था। अब जब इंडिया ने अली एक्सप्रेस को बैन किया तो उनके थ्रू जो उनके डेडिकेटेड लॉजिस्टिक्स पार्टनर थे, उनको भी कहीं ना कहीं इंडिया के जो हमारे ऑफिसर्स थे, कस्टम्स एजेंट थे, उन्होंने उन चीज़ों को हॉल्ट करना शुरू कर दिया था। वहाँ से जो भी अली एक्सप्रेस के थ्रू जो भी आइटम इंडिया में आ रहा था, उनकी कस्टम क्लियरेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो अली एक्सप्रेस ने लास्टली उसको चीज़ों को बंद ही कर दिया। बट अभी अली एक्सप्रेस ने क्या किया है कि अली एक्सप्रेस ने दोबारा चीज़ों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया इंडिया में, वाया किसी और लॉजिस्टिक्स या कोई उन्होंने और मोड ढूंढ लिया है, जिसके थ्रू अब वो इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को, इंडिया के कस्टमर्स को चीज़ों को शिप कर रहे हैं। अब पेमेंट वो किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब जो अली एक्सप्रेस में पेमेंट का इशू था, पेमेंट भी कई बार इंडिया की पेमेंट वहाँ पर नहीं जा रही थी या वो नहीं ले रहे थे, अब वो क्या कर रहे हैं कि इंडिया से जो पेमेंट लोग अली एक्सप्रेस में जा रहे हैं चीज़ों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, अली एक्सप्रेस के सप्लायर कस्टमर्स को अली बाबा पे डाइवर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपको अगर आप क्या है ना कि अली एक्सप्रेस में जो कस्टमर हैं, अगर वो अली एक्सप्रेस के थ्रू जो अली एक्सप्रेस का डेडिकेटेड पेमेंट सिस्टम है वहाँ से चीज़ों को पेमेंट नहीं रिसीव करते, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ट्रस्ट इशू आ जाता है कि आप पता नहीं किसके बैंक अकाउंट में चीज़ों को पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्या वो जो सप्लायर है वो जेन्युइन है कि नहीं, वो पेमेंट लेने के बाद चीज़ों को शिप करेगा कि नहीं। तो इसीलिए इस ट्रस्ट फैक्टर को देखते हुए अली एक्सप्रेस का सप्लायर ने क्या किया है कि आपको जो है वो अली बाबा की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। अली बाबा में भी ऑब्वियसली जो अली एक्सप्रेस में ज़्यादातर सप्लायर होते हैं उनका अली बाबा में भी अकाउंट होता है,
अलीबाबा में भी वो चीज़ों को शिप करते हैं। अब अलीबाबा में आपको पता ही है कि जब अलीबाबा में लोग चीज़ों को परचेस करते हैं तो वो कमर्शियल लेवल पे, यानी काफ़ी बड़े लेवल पे होता है, 8, 10, 20, 30, 40 पीसेस होते हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि जो भी अली एक्सप्रेस में जाके चीज़ों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप जब आप बात करेंगे सेलर से तो उसका जो सेलर का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपको अलीबाबा में डाइवर्ट करेगा, वहाँ पे एक पेमेंट लिंक जनरेट करके देगा। अलीबाबा की सिक्योर पेमेंट के थ्रू आप अलीबाबा के थ्रू पेमेंट करेंगे सप्लायर को। अब क्या हुआ कि सप्लायर को पेमेंट हो गया, सिक्योर मेथड से पेमेंट हो गया, आपके पास एक रिकॉर्ड भी आ गया अलीबाबा का, जिससे कि बाद में आप ट्रैक भी कर सकते हैं। एक बार ही उनको पेमेंट रिसीव हो जाती है तब वो आपको शिप कर रहे हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर दिखाता रहूँगा, जो अभी रिसेंट ट्रांजेक्शन हुई थी मेरे जानने वाले के थ्रू, जिन्होंने अभी अभी अली एक्सप्रेस से चीज़ों को परचेस किया है। अब अली एक्सप्रेस से कैसे परचेस करना ये मैंने बता दिया। अली एक्सप्रेस के जो सप्लायर हैं वो इस टाइम पे इंडियन पेमेंट, इंडियन ऑर्डर्स को क्या कहते हैं रिसीव कर रहे हैं और शिप भी कर रहे हैं। अब अली एक्सप्रेस के अलावा दूसरे जितने आपके वो थे ना, क्या कहते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट थे, चाइनीज ई कॉमर्स वेबसाइट चाइना के जो इंडिया में शिप कर रहे थे, उन वेबसाइट से आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जो बेसिकली हमारे इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी ट्रेड इशू नहीं चल रहा है इस टाइम पे। मैं खुद एक कस्टमर एजेंट हूँ, तो हमारा जो काफ़ी सारा कार्गो है वो चाइना से आता है, कमर्शियल लेवल में आता है, चाहे पर्सनल लेवल में आता है या कुरियर लेवल में आता है। बस मेन जो दिक्कत हुई थी वो गलवान वैली के टाइम पे ये दिक्कत हुई थी, जो आपको पता ही है कि कई सारे ऐप्स को बैन किया गया था, उसमें से एक टिकटॉक भी था, अली एक्सप्रेस था, कैम स्कैनर था, और भी कई सारी थी। तो मेन इनका वही मोटो था जो उन लोगों ने कर दिया। अब आप क्या है कि अब कोई भी और वेबसाइट है, जैसे कि आपका गियर बेस्ट हो गया, टॉम टॉप हो गया, मेड इन चाइना हो गया, उन वेबसाइट से आप बिल्कुल बेझिझक ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, मैं कभी भी ये सपोर्ट नहीं करता कि आप चाइनीज़ प्रोडक्ट को इंपोर्ट करें, बट हाँ, मुझे पता है कि कई सारी चीज़ें जो है इंडिया में नहीं मिलती हैं, और चाइना में उसकी क्वालिटी और जो कॉस्ट है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो आप वहाँ से बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं, गियर बेस्ट से या टॉम टॉप से या मेड इन चाइना वेबसाइट से बिल्कुल आप ऑर्डर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पेमेंट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और शिप भी कर रहे हैं। और अब तो धीरे धीरे अली एक्सप्रेस भी इंडियन ऑर्डर्स को लेने लगा है, पेमेंट एक्सेप्ट करने लगा है वाया क्या कहते हैं अलीबाबा। तो अब आप अली एक्सप्रेस से भी कर सकते हैं। अब क्या था कि अली एक्सप्रेस का जो मेन वो था कि कई लोग अली एक्सप्रेस के थ्रू ड्रॉप शिपिंग भी करते थे, तो इस टाइम पे वो पॉसिबल नहीं है, बट मुझे लगता है कि आगे जाके वो भी पॉसिबल हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता वो लोग निकाल लेंगे। मैं खुद अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरे वेबसाइट से ड्रॉप शिपिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपना एक खुद का ई कॉमर्स का एक पूरा सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, मैं बहुत ही सही सही इन्फ्लुएंशियल लोगों को वीडियो में लाने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी जानना है, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, लोकल ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स, इंटरनेशनल ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, अमेजॉन FBA के थ्रू एक्सपोर्ट करना, तो अगर आप लोगों को वीडियो से अब तक वैल्यू मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं कई सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को लाता हूँ, लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को नॉलेज मिल सके कि किस तरीके से आप अपना खुद का ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, लोकल ड्रॉप शिपिंग, अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, किस तरीके से लोग आज के टाइम पे अमेजॉन FBA के थ्रू काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप वो किस तरीके से कर रही हैं, सारी चीज़ें मैं इस चैनल पर शेयर करने वाला हूँ, प्रॉपर सीरीज़ आने वाली है इन चीज़ों की। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कस्टम क्लियरेंस, कस्टम ऑक्शन और बिजनेस। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो को अब तक देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्ते।